बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपने जो प्रीवियस एक्सरसाइज समझी है, अब मैं उसका सेकंड पार्ट पेश करने लगा हूँ। इसके अंदर स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड पॉइंट्स होंगे और फिर सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन। तो स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश में यह है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको किस तरह बोलना है स्पोकन इंग्लिश में। वो बीमार रहा होगा, ही विल हैव बीन इल। और अगर इसका नेगेटिव करें, ही विल नॉट हैव बीन इल। और अगर इसको स्पोकन इंग्लिश में बोलें, ही वॉन्ट हैव बीन इल। ही वॉन्ट हैव बीन इल, यानी वॉन्ट कैसे, WON apostrophe T। आपको ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। हम अगले माह से उनके दोस्त होंगे। We shall have been their friend for next month। और नेगेटिव बनाए तो We shall not have been their friends for next month। और स्पोकन इंग्लिश में We shan't have been their friends फॉर नेक्स्ट मंथ। अच्छा, अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो फिर क्या होगा, क्या हम अगले माह से उनके दोस्त नहीं होंगे। शैल वी नॉट हैव बीन देयर फ्रेंड्स फॉर नेक्स्ट मंथ। और स्पोकन इंग्लिश में शॉन्ट वी हैव बीन देयर फ्रेंड्स फॉर नेक्स्ट मंथ। क्या वो बीमार रहा, क्या वो बीमार नहीं रहा होगा, विल ही नॉट हैव बीन इल। और सेकंड, वांट ही हैव बीन इल। अब क्वेश्चन टैग की तरफ आ जाते हैं, जो कंफर्मेशन करवाते हैं, है ना, करके ही विल हैव बीन इल, वो बीमार रहा होगा। वांट ही, है ना, वांट ही, वही WON कॉमा टी, वांट ही, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो है ना, करते हुए क्वेश्चन टैग में नॉट को हम यूज़ करते हैं। वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन द पार्ट ऑफ पाकिस्तानी टीम। अब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो है ना की इंग्लिश होगी विल ही, विल ही। वो 2021 से पाकिस्तान का सदर होगा, ही विल हैव बीन द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिंस 2021। और अगर है ना करें तो वांट ही, हम 2022 से जेहलम में नहीं होंगे, वी शैल नॉट हैव बीन इन जेहलम सिंस 2022। और इसके लिए अगर है ना करें, शैल वी, अगर इसके लिए करें शैल वी, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो शैल वी करेंगे इसके लिए। अच्छा, हम 2022 से जेलम में होंगे, वी शैल हैव बीन इन जेलम सिंस 2022। शॉन्ट वी, अब देखें स्टेटमेंट अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है कि हम 2022 से जेलम में होंगे, तो आगे कंट्रैक्शन में हमने नॉट ऐड किया शैल के साथ, शॉर्ट वी, है ना कि इंग्लिश। और अगर ये पहला सेंटेंस देखे, इससे वो नेगेटिव था कि हम 2022 से जेलम में नहीं होंगे, वी शैल नॉट हैव बीन इन जेलम सिंस 2022, तो उसका है ना हुआ था कंट्रैक्शन में, नहीं लेकर गए थे नॉट को, उसका क्वेश्चन टैग था शैल वी। तो स्टूडेंट्स, ये तो स्पोकन इंग्लिश के हवाले से इसके पॉइंट्स थे। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं, ट्रांसलेशन के लिए सेंटेंसेस। यही लिखें, वो बीमार रहा होगा, ही विल हैव बीन इल। वो कॉलेज से गैर हाजिर रहे होंगे, दे विल हैव बीन एब्सेंट फ्रॉम द कॉलेज। स्टूडेंट ये याद रखें, ये रहा होगा, रही होगी, इन जुमलों में काम नहीं पाया जाता, इसलिए ये इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है।
वो 2021 से पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं होगा. ई विल नॉट हैव बीन द पार्ट ऑफ पाकिस्तानी टीम सिंस 2021. क्या वो अगले साल से पाकिस्तानी आर्मी में नहीं होगा? विल ही नॉट हैव बीन इन पाकिस्तानी आर्मी फॉर नेक्स्ट ईयर. आगे है, उसके अब्बा जान 2025 से PTCL में SDO नहीं होंगे. His father will not have been SDO in PTCL since 2025. क्या तुम्हारा चचा इस फैक्ट्री का 2024 से मालिक होगा? Will your uncle have been the owner of this factory since 2027? वो 2021 से हमारे पड़ोसी होंगे. They will have been our neighbors since 2021. हम अगले साल से पंजाब यूनिवर्सिटी में होंगे. We shall have been in the University of Punjab for next year. क्या तुम 2023 से पाकिस्तानी नेवी का हिस्सा होगे? Will you have been the part of Pakistani Navy since 2023? वो अगले महीने से पाकिस्तानी हॉकी टीम का रुकन नहीं होगा. He will not have been the member of Pakistani hockey team for next month. क्या माली कल सुबह से बाग में होगा? Will the gardener have been in the garden since next morning? तो स्टूडेंट्स, ये थे सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें. कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन करें. इस वीडियो से इतना ही. अल्लाह हाफिज़.